सब्सक्राइब करें WWE हिंदी हाईलाइट चैनल को और बेल बजा दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। WWE में इस समय काफी बदलाव हो रहे हैं, जिसमें NXT का US नेटवर्क पर प्रसारित किया जाना और अक्टूबर में SmackDown का फॉक्स पर प्रसारित किया जाना शामिल है। इसके साथ साथ AEW ने भी अपनी वीकली शोज की शुरुआत अक्टूबर में करने वाला है। इसको देखते हुए यह बिल्कुल मुमकिन है कि कंपनी लेजेंड्स और बदली हुई कंपनी के आधार पर रेटिंग्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आधार पर आइए एक नजर डालते हैं उन 5 सुपरस्टार पर जो कंपनी में साल के अंत तक वापसी कर सकते हैं। नंबर 5, जॉन सीना। जॉन सीना इस समय फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है और वो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में दिखेंगे। उसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट एक्स स्ट्रेक्शन का भी हिस्सा है, जिसमें जैकी चैन और उनके सह अभिनेता है। जुलाई में हुए रॉ रियूनियन में जॉन आखिरी बार उसोस के साथ रैप बैटल करते हुए दिखाई दिए थे। उससे पहले वो रेसलमेनिया 35 में डॉक्टर ऑफ टेक्नोमिक्स वाले किरदार में नजर आए थे, जहां उन्होंने अलायंस के परफॉर्मेंस को रोका था। जॉन सीना ने पिछले 8 महीनों में काम नहीं किया है। इसका आखिरी मैच जनवरी में रॉ में हुआ था, जहां वो एक फेडल 4-वे मैच का हिस्सा थे। ऐसा लगता है कि जॉन सीना अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मुमकिन है कि वो एक आखिरी लड़ाई के लिए वापसी कर सकते हैं। ये लड़ाई साल के अंत या रॉयल रंबल में हो सकती है। जॉन सीना रेसलमेनिया में अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए इस साल के आखिरी में नई दुश्मनी में शामिल हो सकते हैं। नंबर 4, बॉबी लैशली। बॉबी लैशली इस समय चोट की वजह से बाहर है और फिलहाल उनकी वापसी होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस साल के आखिर में वो पूरी तरह से फिट हो सकते हैं और उस समय रेसलमेनिया के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती है। अब तक बॉबी लैशली की लड़ाई ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ रही है और वो काफी अच्छी थी। अगर लैशली वापसी करके ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच लड़ने की शुरुआत करते हैं तो यह रेसलमेनिया के लिए सही होगा। वैसे भी एक बिजनेस के लिए ये एक ड्रीम मैच हो सकता है। नंबर 3, शेमस। शेमस रेसलमेनिया के दौरान चोट लगे की वजह से वो एक्शन से बाहर है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें भविष्य के बारे में नहीं पता है। अगर वापसी करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं तो ये काफी अच्छा होगा। नंबर 2, रूसेब। रूसेब चोट की वजह से नहीं बल्कि कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके से नाराज है। ऐसे खबरें भी थी कि वो आने वाले समय में कंपनी को छोड़ भी सकते हैं। इस बार रूसेब एक बेबी सेब के रूप में वापसी करके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ सकते हैं। उनके पास अच्छे मैच और प्रोमो कट करने का हुनर है और ये वापसी फॉक्स पर जाने से पहले भी हो सकती है। नंबर 1, रोंडा राउजी। रोंडा राउजी चोटिल है और इस समय वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रेसलमेनिया में लड़े गए आखिरी मैच के बाद से ही वो रिंग से बाहर है। साल के आखिरी में अगर रोंडा राउजी वापसी करते हैं और रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ते हैं तो फैंस के लिए ये काफी दिलचस्प हो जाएगा। रोंडा राउजी की वापसी WWE कंपनी और उनके फैंस को काफी इंतजार है।